पंतप्रधानांवर आभाळ फाटणार नाही, ओवेसींच्या नव्या संसद उद्घाटनांवरून टोला, दिल बडा करे प्रधानमंत्री। नव्या संसदेच्या उद्घाटनावरून राजकीय वातावरण सध्या तापलेलं आहे। संसदेचं उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याऐवजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे। या वादात आता MIM चे खासदार असुद्दीन ओवेसी यांनी उडी घेतली। संसदेचे उद्घाटन लोकसभा अध्यक्षांच्या हस्ते केले तर पंतप्रधानांवर काही आभाळ फाटणार नसल्याची टीका ओवेसींनी केली आहे। दिल बडाकडे प्रधानमंत्री अशा शब्दात त्यांनी मोदींना सुनावलं। नव्या संसदेत जेव्हापासून फाउंडेशन स्टोनचे शिलान्यास पंतप्रधानांनी केलं होतं, त्यानंतर राष्ट्रीय चिन्हाचं उद्घाटन पंतप्रधानांनी केलेलं होतं। आता ही तिसरी वेळ आहे की संसदेचं उद्घाटन मोदींच्या हस्ते होणार। आमचे सुरुवातीपासून म्हणणं आहे की लोकसभा अध्यक्ष हे लोकसभेचे पालक असतात आणि पंतप्रधान हे एक्झिक्युटिव्हचे हिस्सा असतात। अध्यक्ष हे विधिमंडळाचे भाग असतात आणि पंतप्रधान मध्ये हस्तक्षेप करत आहेत। नव्या संसदेचं उद्घाटन लोकसभा अध्यक्षांच्या हस्ते झालं पाहिजे अशी मागणी असुद्दीन ओवेसी यांनी केली। पंतप्रधानांचं नाव फाउंडेशन स्टोनवर आलं, मग ओम बिर्ला यांच्या हस्ते उद्घाटन केलं तर काही आभार पडणार नाही। दिल बड़ा करे प्रधानमंत्री ऐसा टोला त्यांनी लगावला है। सर मेरठ तो आपकी पार्टी शिरकत नहीं करेगी कल के? हाँ, हमने कहा है ना, अगर प्रधानमंत्री स्पीकर से कराते हैं तो हम बराबर जाएंगे, क्योंकि लोकसभा का कस्टोडियन जो है वो स्पीकर है। स्पीकर है, प्रधानमंत्री बड़े नहीं है लोकसभा में, स्पीकर बड़ा है। लीडर ऑपोजिशन बड़ा नहीं होता है, इसीलिए तो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है। लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा अलग ही है, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव अलग है, इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग है। ये प्रधानमंत्री सब में चले आ रहे हैं, तो वो जाएं, उनका नाम तो आ गया ना फाउंडे फ्लैग पे, स्पीकर को कराए, ओम बिरला से कराए, क्या होगा? आसमान तो नहीं गिरने वाला है ना, आसमान तो नहीं गिरेगा। दिल बड़ा करें प्रधानमंत्री थोड़ा, उन्होंने तो सजदा किया था पार्लियामेंट को जब पहली मर्तबा गए थे, संविधान किताब उठाकर चूमा था उसको, तो सजदा और अब चूम लिए तो ओम बिरला से कहिए कि करो इनॉग्रेशन। बायकॉट गैंग सर बोल रहे हैं आप लोग? हाँ? बायकॉट गैंग बोला जा रहा है भाजपा की तरफ से। शाम में 6 बजे और रात में 9 बजे ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट बैठते हैं TV के ऊपर, ये 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ उन लोगों को। ब्यूरो रिपोर्ट SBN मराठी नागपुर।